भगवान विष्णु जी को पालनहार क्यों कहते हैं, चलिए कहानी से समझते हैं। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी को भोजन करा दी थी, लेकिन अचानक से भगवान विष्णु खाना छोड़कर उड़ जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो माँ उनसे पूछती हैं कि आपने खाना बीच में क्यों छोड़ा। तब भगवान विष्णु ने प्रेम से कहा कि मेरे चार भक्त भूखे थे, उनको खिलाकर आया हूँ। अब लक्ष्मी जी को थोड़ा अजीब लगा, उन्होंने भगवान की परीक्षा लेने के लिए दूसरे दिन एक छोटे डिब्बे में 5 चींटियों को बंद कर दिया और उसके बाद भगवान को प्रेम से भोजन परोसा और देखा भगवान प्रेम से भोजन खा रहे हैं। ये देखकर देवी लक्ष्मी बोली, आज आपके 5 भक्त भूखे हैं और आपने भोजन ग्रहण कर लिया। प्रभु ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लक्ष्मी जी मुस्करा पड़ी, पूरे आत्मविश्वास से भगवान विष्णु को चींटियों वाले डिब्बे दिखाकर बोली, देखिए ये 5 भक्त भूखे हैं। डिब्बे देखकर भगवान विष्णु मुस्कुरा उठे और ये देखकर लक्ष्मी जी चुपचाप उनकी ओर देखने लगी, क्योंकि डिब्बे में बंद चींटियों के मुँह में चावल के दाने थे। लक्ष्मी जी ने पूछा, बंद डिब्बिया में चावल कैसे आए, ये आपने कैसे डाले। विष्णु जी ने सुंदर जवाब दिया कि देवी, आपने चींटियों को डिब्बे में बंद करते समय जब उनसे क्षमा मांगने के लिए अपना माथा टेका था, तो आपके तिलक से एक चावल डिब्बे में गिर गया और चींटियों को उनके आज का भोजन मिल गया।